What's going on guys, RG here, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो बिकॉज़ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। रणवीर अलाहाबादिया भाई ने मल्लिका शेरावत के साथ मिलके बॉलीवुड को एक्सपोज कर दिया। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच इट। मल्लिका शेरावत ओपन्स अपॉन प्लास्टिक सर्जरी। भाई प्लास्टिक सर्जरी तो बॉलीवुड के अंदर ऐसे है जैसे वड़ा पाव बिकता है बॉम्बे में एंड पटूरे छोले लुधियाना में। और मैं अगर तुम्हें एक बात बोलूं, तुम लोग अगर चाहो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। जी हाँ, लिटरली हमें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आप लोगों की तरफ से, तो यू कैन यूज़ दिस UPI कोड टू सपोर्ट आवर चैनल। बाकी वीडियो तो आपके लिए आते रहेंगे, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करने का है एंड यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियो फॉर फ्री। अगर आपकी दिली इच्छा हो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने की तो यू गाइज कैन सपोर्ट अस ऑन दिस QR कोड। तो देयर वी गो एंड हेयर वी वॉच इट। आपने अर्ली 2000s की बात भी करी अब और आपने ब्यूटी कल्चर की बात भी करी है। बिल्कुल। अर्ली 2000s में ब्यूटी कल्चर क्या होता था? सेम एज नाउ? अर्ली 2000s व्हेन आई डिड, देखिए जैसे 20 साल पहले मैंने मर्डर करी थी, उस वक्त फिल्म मर्डर फिल्म करी थी, प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र भी नहीं था कहीं भी। आप अगर किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री को देखेंगे तो कोई प्लास्टिक सर्जरी मुझे तो नज़र नहीं आती थी उस वक्त के दौर में। लेकिन अगर आज का आप दौर देखेंगे तो हर जगह बहुत सी ये प्लास्टिक सर्जरीज मुझे नज़र आ रही हैं। और मैं जज नहीं कर रही, इट्स योर बॉडी, इट्स योर फेस, यू डू एज यू वांट। ये मेरा अपना ओपिनियन है दैट आई थिंक इट इज़ वेरी टॉक्सिक। योर सेल्फ वर्थ कैन नॉट बी टाइड टू दैट एंड यू स्टॉप। बिकॉज मैंने देखा है कई एक्ट्रेसेस के करियर शूट अप हुए हैं उसकी वजह से। एग्जांपल नोरा फतेही, हालांकि वो एक्ट्रेस नहीं है, शी इज़ अ डांसर। तो अगर मैं बात करूं, हाँ एक्टिंग करी है एक दो फिल्मों में, बट प्रॉपर एक्ट्रेस तो मैं उनको काउंट नहीं करता। लेकिन अगर मैं बात करूं, काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बातें आती रहती हैं। जैसे जाह्नवी कपूर के बारे में भी हमने सुना है कि शायद उनका फेस चेंज हुआ है। तो वो चीज़ें हैं, कुछ प्रोमिनेंस है, बट दे हैव चेंज इन अ वेरी गुड वे। कुछ डिज़ास्टर्स भी रहे हैं, उनके नाम ना लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो आगे देखते हैं। स्पेशली फॉर एन एक्ट्रेस, आप एक्सप्रेशंस कैसे देंगे अपने? यू हैव टू एक्सप्रेस एन इमोट। अगर आपका चेहरा ही फ्रीज हो जाएगा, ऐसे गाल सूज जाएंगे, होंठ ऐसे हो जाएंगे, तो हाउ विल यू इमोट एंड एक्सप्रेस? सारे एक्ट्रेसेस प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ये मुझे नहीं पता सबके बारे में। आई मुझे इतना ही पता, आपको ज्यादा पता होगा मुझसे। आई थिंक 80-90%, मुझे नहीं पता ये, बट आई एम नॉट इन दैट 80-90%। मैंने अभी तक प्लास्टिक सर्जरी, मेरे फेस पे एक सुई भी नहीं लगवाई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई लीड अ डिसिप्लिंड लाइफ। मैं अल्कोहल नहीं लेती, मैं सिगरेट शराब नहीं लेती, मुझे लेट नाइट्स पसंद नहीं है। आई लव वर्किंग आउट, आई लव डूइंग योगा, प्राणायाम, लीडिंग अ सात्विक प्योर लाइफ इंस्पायर्स मी। आई फील इट एनहांसेस माई लाइफ। अब तब भी वेरी नाइस, बिकॉज मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने अब मुझे नहीं पता, मैंने सुना ही था कि मल्लिका शेरावत जी ये वर्सोवा में बद्रीनाथ टावर के आसपास कहीं रहती हैं, एंड आसपास नहीं, उनके सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती हैं। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली थी, बिकॉज मैं भी वहीं पे पहले उसके आसपास ही कहीं रहता था, तो एक बार मैं वहाँ पे वॉक कर रहा था तो आई जस्ट सॉ हर पर्सनली। अब मुझे नहीं पता ये वहाँ पे रहती थी या वहाँ पे कहीं पे किसी काम आई थी, उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता। तो मैंने इनको पर्सनली देखा एंड कुछ ऐसा मैंने उस टाइम पे भी नहीं देखा कि लाइफ में, ऑब्वियसली इनके लिए हमारी एक परसेप्शन है, मल्लिका शेरावत के लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा परसेप्शन होगी कि हाँ इन्होंने बहुत बोल्ड सीन्स कर रखे हैं, सब कर रखा है। हालांकि इनसे ज़्यादा बोल्ड सीन्स और बहुत एक्ट्रेसेस ने कर रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तृप्ति डिमरी इस टाइम पर भाई फाड़ कर रही हैं काम, जिस लेवल का उनका सीन जा रहा है। लेकिन भाई अब इस टाइम पे आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी PR के ऊपर है कि आपको वो कैसे प्रेजेंट आउट करते हैं चीज़ों को लेके। लेकिन अगर मैं बात करूँ, इन रियल लाइफ शी इज़ वेरी सिंपल, मतलब यहाँ पे भी वो मतलब बड़ा सटल सा मेकअप ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, 80-90% इंडस्ट्री के अंदर है सीन ये जो है सर्जरी वर्जरी वाला, ये बिल्कुल सही बात है। भी फुल्ली सात्विक थे एब्सोल्युटली मूवी करियर जब स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, आई एम अ वीगन, सो आई थिंक अगर आप ये सब चीजें करेंगे फिर आपके चेहरे पे दिखता है ना, ये सब उतर के आता है।
आपको मैं कभी भी किसी पार्टी में, लेट नाइट पार्टी में नजर नहीं आऊंगी, बिकॉज दैट इज नॉट माई लाइफ स्टाइल. आई लव टू गो टू बेड बाई 9. Okay. 9, I'm in bed by 9:30, 9:45. I think I'm fast asleep and I wake up by 6. Do you think एक फिल्म करियर के ग्रोथ के लिए पार्टीज के लिए जाना जरूरी है? देखिए, मैं सिर्फ अपना अनुभव बता सकती हूँ. मुझे, मेरे लिए नहीं लगा कि जाना जरूरी है, बिकॉज आई थिंक यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. टू बी ऑनेस्ट, मेरा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. एट अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर, वेन यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट योर, डेवेलप योर थिंग्स, देर आर फ्यू वेज टू गेट. मैं ये एक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ जो नए एक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है टू डेवलप अ कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली गर्ल्स जो होती हैं, दे आर ब्यूटिफुल इनफ, उनको क्या कहते हैं, जब भी कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह या कोई भी हो, उनको कहीं पे भी देख के दे स्पॉट देम आउट. लेकिन लड़कों को बहुत रेयरली स्पॉट किया जाता है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लड़के और लड़कियों के केस में कोई भी हो, पार्टी ज़रूरी इनिशियल स्टेज में बेशक हो सकती है, लेकिन एक सर्टेन टाइप ऑफ फेम आने के बाद मेरे को नहीं लगता कि पार्टी ज़रूरी है. और हाँ, अगर आपको पार्टी नहीं करनी है तो देर इज़ अ बेटर वे टू कम्युनिकेट. यू डोंट नीड टू डू पार्टी एंड थिंग्स, उसमें भी आपका खर्चा ही होगा. यू कैन गो फॉर अ वेरी गुड जिम, उस जगह का एक दो प्रॉपर जिम्स की अच्छी मेंबरशिप ले लो, उस पे पैसे खर्च लो. वहाँ पे आपको एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह सब मिल जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं जिम जाता था उस टाइम पे, अभी तो खैर हम लगते नहीं जिम जाने वाले, लेकिन आप मेरा अगर इंस्टाग्राम देखोगे, पहले भी मैं जब फिट था उस फ्रेज में 48 फिटनेस करके एक जिम होता था. अब तो शायद पता नहीं है, नहीं है, अंधेरी के अंदर डी एन नगर मेट्रो स्टेशन के पास. तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी आते थे, सोहेल खान भी आते थे, टाइगर श्रॉफ भी आते थे, एकता कपूर वॉज ऑल्सो देयर. तो अगर आपको कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स ही डेवलप करनी है, काफ़ी टेलीविजन एक्टर्स वहाँ पे आते थे जिनके साथ मैं भी मिला हूँ उस टाइम पे. तो वो चीज़ रही है पर्टिकुलरली. तो ये चीज़ है कि अगर आपको कम्युनिकेशन डेवलप करना है, ओनली पार्टीज इज़ नॉट द वे. पार्टीज एक अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है उस चीज़ में. लेकिन अगर मैं बात करूँ, आपका कम्युनिकेशन जिम में भी बन सकता है, बट ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. I prioritize feeling good. Sleeping early makes me feel good. Making money makes me. Because honestly, Mallika Sharawat के पास इतना fame है, भले ही ज़्यादा फिल्में नहीं कर रही हैं वो, लेकिन उनके पास इतना particular fame है इस time पे industry में कि हर casting director को पता है कि कौन है Mallika Sharawat, हर producer को पता है कौन है Mallika Sharawat. उनको ये पता है कि किस करेक्टर में ये सूट करेंगी, तो उस अकॉर्डिंग इनको घर पे बैठे भी कॉल आ जाता है. तो हर एक एक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि बिना कॉन्टैक्ट्स बनाए आप ग्रो कर सकते हो इंडस्ट्री में. जब तक उनको पता ही नहीं होगा, उनके अराउंड चीज़ें पता ही नहीं होगी, क्योंकि कुछ फिल्में सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर हीरोज़ को कास्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ फिल्मों में क्या होता है कि किसी प्रोड्यूसर को अगर बाई चांस आप अच्छे लग गए तो शायद वो आपको कास्ट कर देगा डायरेक्टली. तो वो एक चॉइस है. Feel good. Success makes me feel good. Exercise makes me feel good. So I do those things. Parties में जाओ, एक तो रात को 11-12 बजे तो वो शुरू होती हैं, फिर सबसे polite talk करो and all that. ये मेरे बस का है नहीं. I can't do it. हरियाणा, you know, हरियाणवी jeans. We can't do it. We are not known for it. Okay. मैं honestly बहुत खुश था आपका नाम देखकर my schedule पर, क्योंकि मैंने आपके interviews देखे हुए हैं. जी. And I feel कि आपको सही सवाल पूछे नहीं जाते. आपको लगता है कि जर्नलिस्ट स्पेशली आपको थोड़ा सा अटैक करता? थोड़ा सा नहीं, बहुत अटैक करते हैं. या डू यू माइंड दैट आई एम सेइंग दिस? आई डोंट माइंड दैट एट ऑल, बिकॉज़ इट्स अ फ्रैंक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन. जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मैंने एक, मेरा वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें मैंने कहा था कि इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी रिग्रेसिव फॉर वुमेन. तो वो जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक फीमेल रिपोर्टर ही मुझे अटैक कर रही है कि आप ऐसा क्यों बोलती हैं. तो मैं वीडियो में उनसे बोल रही हूँ कि Do you think it's progressive for women? जहाँ honor killings हो रही हैं, इतना शोषण हो रहा है महिलाओं के प्रति. आपका एक और इंटरव्यू देखा जहाँ आपने early 2000s की बात करी. जी. और आपने कहा कि मर्डर के सक्सेस के बाद a lot, I don't know why you said this and you can clear the air. पर आपने कहा कि the guys were okay, but लड़कियाँ आपके साथ थोड़ी सी vicious थी. हाँ, vicious.
मैं उसके तुम्हें रीज़न बता देता हूँ, मल्लिका का सुनेंगे क्या रीज़न है, लेकिन इसका एक कई रीज़न ये भी हो जाते हैं कि आउट ऑफ जेलसी होता है लड़कियों में भी या लड़कों में भी, आपके आसपास का कोई इंसान एकदम से आगे बढ़ जाए, और उस टाइम पे स्टेक नहीं था कि हर एक्ट्रेस इतने बोल्ड जाती हों जितना मल्लिका शेरावत गई थी, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लोगों की एक आपके प्रति इमेज क्रिएशन हो जाती है, परसेप्शंस बन जाती हैं, तो वो एक रीज़न हो सकता है। आगे थी नहीं, अभी भी विशेष हैं क्यों मुझे नहीं पता, ये आई डोंट नो कि महिलाएं मुझसे क्यों इतनी विशेष है, आई डोंट नो। आई बिलीव इन द सिस्टरहुड, आई बिलीव इन अपलिफ्टिंग अदर वुमेन, इन एनकरेजिंग अदर वुमेन, आई लव वुमेन, आई हैव ऑलवेज स्पोकन फॉर देम, सो आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक अजीब सी इनसिक्योरिटी कैन बी द रीजन है, जब व्हेन दे सी द फॉल ऑफ एन आइकन, व्हेन दे सी द कोलैप्स ऑफ एन आइकन, लेकिन मेरे साथ उन्हें ये लुत्फ पॉइंट हासिल नहीं होगा। आप कह रहे हो कि पीपल आर वेटिंग टू सी यू फॉल बट यू आर नॉट गोइंग टू फॉल। नो, मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूँगी। आई वुड लाइक टू टेल दिस टू ऑल गर्ल्स, इट्स नॉट योर फादर्स मनी, इट्स नॉट योर हस्बैंड्स मनी, इट्स योर ओन मनी, योर ओन बैंक अकाउंट इन योर नेम। द डे यू हैव दैट एंड कंट्रोल दैट, यू विल मेक योर ओन डेस्टिनी, यू लिव योर ओन। एग्जैक्टली, अदरवाइज योर डेस्टिनी, यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट अपॉन योर हस्बैंड। और मैं कई केसेस में देखता हूँ, कई नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, आई यूज द वर्ड कई, हो सकता है मेरी स्टेटमेंट लेके कॉन्ट्रोवर्शियल बना दें चीज़ें, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा कि ये ना एक बड़ा परसेप्शन सा बन गया, और इस चीज़ का कुछ लोग तो जेन्युइन होते हैं, लेकिन कुछ लोग लिटरली इस चीज़ को धंधा बनाते हैं और इस चीज़ को बहुत गलत वे में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लड़कों के प्रति हो कि डाइवोर्स होएगा तो पैसा बहुत मिलेगा, वो वाला बकवास बहुत है। कुछ लोगों का ये एक्चुअल में धंधा है और वो परसेप्शन है। आज की डेट में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जेन्युइन चीज़ें भी हैं, तो वो एक फैक्टर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बट इस चीज को अपने ऊपर हावी भी मत होने दो। लेट द अदर पर्सन बी इन अ वेरी गुड शूज। सामने अगर कई बार क्या होता है ना, हम बोलते हैं कि नहीं, हम हमारे राइट्स के लिए खड़े हैं, हो सकता है आपको वहां पे राइट्स की डिमांड करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, खड़े होना बिल्कुल सही बात है, हर बंदे को अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाला बंदा ऑलरेडी आपकी इन चीज़ों से अग्री करता है, लेकिन हम फिर भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, हम तो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। वहाँ पे शायद चीज़ें हार्मफुल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ती है और कुछ नहीं होता। एंड एंड ऑफ द डे जो बंदा आपको सपोर्ट भी कर रहा होता है, ही विल बैक आउट अल्टीमेटली कि हाँ भाई, तुझे जो करना है कर, वो भी ना होने दो। जहाँ पे तुम्हें लगे ना कि हाँ ये बंदा मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वहाँ पे उसके अगेंस्ट खड़े होने का, लेकिन जज करो पहले अच्छे से कि वो बंदा तुम्हारे साथ खड़ा है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, आज की डेट में ये कॉमन फैक्टर बना दिया जाता है, जनरलाइज कर दी जाती है चीज़ को, इसको जनरलाइज मत करो। एवरी गर्ल इज़ नॉट सेम, एवरी बॉय इज़ नॉट सेम, एवरी वुमेन इज़ नॉट सेम, एवरी मैन इज़ नॉट सेम। फिर जैसे वो चलाएंगे आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। When you make money, you can take care of yourself mentally, you can take care of yourself physically, you can take care of yourself spiritually. मेरा मानना ये है कि you don't need anybody to support yourself, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, you can be good enough. हर किसी में इतनी मादा और इतना capability भगवान ने बनाया, अगर आपको एक जैसा इंसान बनाया तो हर कोई वो चीज़ें अचीव कर सकता है। It is just that to be, मतलब वेरी मच डायरेक्टोरियल टूवर्ड्स योर लाइफ, वो एक चीज है। बिकॉज मनी इज रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली फॉर वुमेन, यू कैन लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। आई एम नॉट फॉर मेन ऑल्सो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शायद डिसएग्री करूंगा, स्पेशली फॉर वुमेन इट्स ओके, बट फॉर मेन ऑल्सो मनी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि लड़कों के पास अगर पैसा ना हो ना तो रिश्ता कन्फर्म है टूटेगा। ये एक फैक्टर देखा है मैंने लाइफ में ना, कई चीज़ों में अगर लड़के के का कोई बैड पैच आ गया ना तो कन्फर्म है रिश्ते ही टूटते हैं। खाना कम नहीं होता लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं वहाँ पे। तो वही एक चीज़ है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग,
लेकिन पैसा लड़के के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, लड़की के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर किसी के अपने पैसे होने चाहिए, किसी को किसी के मुंह की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। हाँ, अपने पार्टनर को थोड़ा बहुत बुरे टाइम में सपोर्ट करना इज नॉर्मल, आ सकता है। फिर आप पार्टनर किस बात के हुए, इट इज नॉट लाइक कि हर चीज में झंडा लेके खड़े होकर रिबेल होना है हमने, वो करने की जरूरत नहीं है। सेइंग यू नीड बेइंतहा पैसा जस्ट टू लीड अ लाइफ विद डिग्निटी, कंफर्टेबल लाइफ, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल ऑल गर्ल्स। मैं हमेशा अपनी वीडियोज में एक चीज बोलता हूँ कि एक घर होना चाहिए, गाड़ी हो, आप मतलब जो चीज लेना चाहो वो ले सको, खाना तीन टाइम का आप अच्छा खा रहे हो, दैट इज अ नॉर्मल लाइफ एवरीबडी शुड हैव, उसके बाद लग्जरी आती है। बस इतना सा मैं मानता हूँ, घर, गाड़ी, काम और खाना और कपड़े अच्छे, बस। यू वॉन्ट टू बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी योर गोल, सो मेनी यंग गर्ल्स आई मीट बॉयफ्रेंड के सपने ले रही हैं, शादी के सपने ले रही हैं, क्योंकि परिवार वाले उनको शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं। यंग यंग गर्ल्स, फाइन, दैट ऑल इज गुड, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, सही बात, ऑन योर करियर, ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, नॉट व्हाट योर पेरेंट्स वांट टू डू और व्हाट द सोसाइटी वांट्स यू टू डू। आई थिंक ऑन वुमेन देयर इज सो मच ऑफ सोसाइटल प्रेशर। एग्जैक्टली, मैंने अपने करियर की शुरुआत में कहा था वुमेन आर ट्रीटेड लाइक कैटल इन इंडिया, आज भी कहती हूँ ये सच है, बिकॉज इंडिया इज नॉट, बट नॉट इन अ जनरलाइज वे। नाउ ये कह देना इन इंडिया इज रॉन्ग, इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, सम वेयर इन इंडिया यू कैन से दैट। हाँ, पर यह है कि जिन जगहों पे वो वैसी चीजें होती हैं, वो चीजें जब वहां से भी लड़कियां बाहर निकलती हैं ना, तो उनको लगता है कि सारे एक जैसे ही होते हैं, तो वो एक परसेप्शन में समझ सकता हूँ, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। बॉम्बे का इंडिया, बॉम्बे इज नॉट इंडिया, बॉम्बे इज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इंडिया इज व्हाट इज स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। आप देखिए, एंड नाउ शी सेड इट राइट, पहले चीज लाइक इंडिया में लड़कियों का हाल बहुत खराब है, वो चीज गलत स्टेटमेंट थी, लेकिन इंडिया के कुछ हिस्सों में जो छोटे एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे एक सोच है जो पुरानी सोच है, वो खराब सोच नहीं है, वो पुरानी सोच है, लेकिन वो चीज आज के टाइम के हिसाब से बहुत हावी हो रही है, और वो टाइम के हिसाब से चीजों को मोल्ड होना चाहिए, सोच को भी बड़ा होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि वहां महिलाओं को के साथ कितनी दुर्गति हो रही है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। बॉम्बे में भी सेक्सिज्म होता है, पर आई थिंक इट्स एवरीवेयर, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, वी कांट एस्केप इट, काइंड ऑफ। ओके, अपनी फेमिनिस्ट मूवमेंट को फॉलो किया? फॉर मी इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म, फॉर मी इट्स व्हाट इज फेमिनिज्म रियली, फेमिनिज्म फॉर मी इज गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एज मैन। ये देखो जो आप कह रहे हो ना, ये सही डेफिनेशन है, हाँ, ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, पर पूरे इस फेमिनिज्म के वेव में जो 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ था, अब एक टॉक्सिक साइड आ चुकी है। जैसे इनसेल मेल्स होते हैं, इनवॉलंटरी सेलिबेट मेल्स, जो औरतों से नफरत करते हैं, वैसे ही मेन से नफरत करने वाले औरतें भी होते हैं। और क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये होने का, जो मेरे को रीजन लगता है वो ये है कि जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल के आता है ना आदमी, वो सामने वाले के लिए अपना ओपिनियन जनरलाइज कर देता है। एक इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, एक लड़की ने या एक लड़के ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो सारी लड़कियां गलत हो गई, सारे लड़के गलत हो गए। वहां पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आसपास के अगर आपके 20 लोग हैं ना, उनमें से 4 अफेक्ट हो जाएंगे और चारों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा, वहां पर सोसाइटी हार्म होती है। बट इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो शायद आगे जाके भी चेंज नहीं होगी। वो खुद को फेमिनिस्ट बुलाते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट। नो नो, दैट्स नॉट फेमिनिज्म, एंड हेटिंग मेन इज नेवर अ पार्ट ऑफ फेमिनिज्म। मेन हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यस, बिकॉज इंडिया कैन नॉट रियली रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल, आई फील। एग्जैक्टली, टिल बोथ, टिल इट्स वुमेन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक मेन डू। सो मेन डेफिनेटली हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यस, शी इज Talking sense, man. बड़ा मजा आ रहा सुन के। Not about hating men at all. I have met some fantastic men in my life who've shaped my thinking, who've shaped my thought. Thanks, Malika. But I mean it. Yeah.
आई हैव मेट सम ग्रेट मेन इन माय लाइफ. उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं. हाँ भाई कर रहे हैं, मैं करूँगा रिएक्ट. थैंक यू रणबीर, मैं करूँगा रिएक्ट ब्रो, ऐसी बात नहीं है. लाइक कर देना तुम लोग, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और हो सके तो यू कैन सपोर्ट अस. एंड अगली वीडियो देखते हैं, लाइक करो, आ जाओ सारे, आ जाओ नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ फटाफट. मिलता हूँ अगली वीडियो में. जय हिंद.